हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पे आपको दिखाऊंगी अपनी हिमाचल की एक लोकल सब्जी होती है जो जंगलों में अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो जब मौसम गरजता है, बरसता है और बिजली कड़कती है तो अपने आप ही वो जंगलों में पैदा हो जाती है। तो मैं उसको अभी ढूंढने जा रही हूँ। उसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं झांडे। तो चलो आप भी मेरे साथ उसको ढूंढने, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी अपना न्यू घर, और जो मेरे नए घर से व्यू आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलो फिर मैं आपको अपना नया घर भी दिखाती हूँ, साथ में हम ढूंढते हैं झांडे। तो फ्रेंड्स, ये है बादाम का पेड़। तो इसमें आगे फ्लावरिंग, तो इसमें फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। जो बादाम का पेड़ है, यहाँ पर एक ही बादाम का पेड़ है। पहले ये जो परे छोटा सा खेत है, यहाँ पर 3-4 बादाम के पेड़ थे जो अब है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लगते नहीं थे बादाम। तो ये है हमारा बादाम का पेड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी है हमारे प्लम का पेड़। तो इसमें भी आगे है फूल। और इसमें बैठी है एक चिड़िया। तो फ्रेंड्स, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा झांडे ढूंढने जाया करते थे, जैसे स्कूल से आना और जल्दी से झांडे ढूंढने चले जाना। पर अब तो अब ऐसा है नहीं है, काफ़ी साले हो चुकी है। हम जब हम हमारे स्कूल होते थे तो हम रोडों में ही रहते थे ज़्यादातर हम रोडों में ही रहते थे, हमारा स्कूल होता था, तो इस वजह से हम यहाँ पर नहीं रह पाते थे। जब हम छोटे 2nd 3rd तक थे उस टाइम तक हम ढूंढते थे, उसके बाद तो ज़्यादा मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैं ढूंढने ही नहीं गई। आज मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, तो चलो ढूंढती हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे मिला है एक झांडा। ये देखो इस तरह से होता है, ये देखो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो इसको इस तरह से निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये इस तरह से है, ये मिट्टी के नीचे था। यहाँ देखो, ये इसमें मिट्टी लगी है, इस साइड से ये मिट्टी के नीचे था और ये वाली जो साइड है ये मिट्टी के ऊपर थी। तो मेरे को ये पहला ही मिला है अभी, तो चलो ढूंढते हैं और भी हो गए इधर। जब मुझे एक मिल चुका है तो हो सकता है इधर और भी हो। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे मिला है सबसे बड़ा झांडा। यहाँ देखो कितना बड़ा है, और इसके साथ ही है साइड में, और तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने सारे मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे। तो मैं इसको निकालूंगी अब। इसको इस तरह से हम निकालते हैं, तो इस तरह से मिट्टी के नीचे है। ये देखो, ये टूट के आ गया है, तो इसके साथ ही है और एक दूसरा। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इसको निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखो, इसके साथ ही है और मैं दिखाती हूँ आपको, ये बड़ा इजीली निकल गया। ये यहाँ पर इतने, तो मेरे को यहाँ एक जगह पे ही मिल गए हैं इतने सारे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं हम झांडे। ये जो इसकी सब्जी होती है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मिल गया है और मेरे को एक झांडा, तो दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से निकालती हूँ,
ये देखो ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, ये देखो। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देखो इसमें मिट्टी लगी है। इसको घर में जाके अभी मिट्टी को साफ़ करना पड़ेगा और उसके बाद इसको पानी से अच्छे से धोने के बाद काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं झांडे ढूंढ के चल पड़ी हूँ घर को, तो मुझे मिले हैं इतने, तो घर में जाके दिखाती हूँ आपको मैं इसको। तो फ्रेंड्स ये भी है हमारे खेत, यहाँ से इधर को इधर के लिए ये भी हमारे ही खेत है। और ये नया घर है, मैं इसे आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी हो रही है रात। तो फिर मैं और दादू जा रहे हैं घर को, दादू भी यहाँ पर कल में करने आए थे खेत में, तो फिर मैंने ज़्यादा जंगल तो नहीं गई, मैं इधर ही गई थी नीचे झंडे ढूँढने, क्योंकि हमारे ये भी हमारे ही इधर से खेत है नीचे, तो इसमें मिल गए थे। फ्रेंड्स मुझे मिले हैं इतने सारे झंडे, तो देखो ये पूरी फैमिली के लिए बन सकती है इसकी सब्जी। और सुबह भी दादी लेके आए थे थोड़े बहुत, तो अभी जो ये है इसको मैंने धो के अच्छे से धो के रख लिया है, तो इसको मैं अब काटूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चाची बना रहे हैं तड़का और मैं अभी सब्जी को काटूंगी। और जो चूल्हा है देखो उसमें अच्छे से आग भी जल रही है, हम आग भी सेक रहे हैं और साथ में सब्जी भी पक रही है, तो बहुत मज़ा होता है गांव में। सब्जी तो मैंने काट के रख दिया और उसके साथ ही कुछ बच गए हैं झांडे, उसको भी हम बनाएंगे पर कल बनाएंगे, तो इसकी सब्जी हम बना लेते हैं आज, इतने काफ़ी है आज के लिए। तो ये लो चाची पकड़ो इसको और पका लो।